का मोहताज रहा है, अपना सवेरा कब सूरज का मोहताज रहा है, ये बातें तब भी लिखी गई जब घुप अंधेरा रहा है। नमस्कार, मैं संजीव कोटीवाल, योग बायोलॉजी मेंटर, एंड यू आर वॉचिंग किरो क्लासेस। आज है वेंसडे यानी बुधवार, और बुधवार का दिन अपना ने शेड्यूल किया था, बुधवार और गुरुवार का दिन अपना ने शेड्यूल किया हुआ है किसके लिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग लेक्चर के लिए। लेकिन प्रॉब्लम आ ही नहीं रही बच्चों को, तो उसके लिए अलग से कोई वीडियो बनाने का कोई औचित्य नहीं, तो मैंने ये शेड्यूल चेंज कर दिया है और इसमें मैंने जोड़ा है एग्रीकल्चर के बच्चों को। ये जो वेंसडे और उसके बाद थर्सडे रहेगा, ये एग्रीकल्चर के बच्चों के लिए रहेगा। ये मैं आज के दिन में स्टार्ट करवाने वाला हूँ आपको, जो अपना चैप्टर नंबर 3 है इंसेक्ट का, कीट, जिसको आपने उसमें टाइटल दिया शीर्षक का चैप्टर का, जो फसलों और भंडारण के प्रमुख कीट। अपने क्या करने वाले हैं, फसलों एवं भंडारण के प्रमुख कीट, ये अपना चैप्टर नंबर रहेगा 3। तीसरा चैप्टर आपका, आपके टेक्स्ट बुक के हिसाब से 12th बायोलॉजी एग्रीकल्चर बायोलॉजी में, फसलों एवं भंडारण के प्रमुख कीट, क्रॉप एंड स्टोरेज इंसेक्ट्स। आपने क्या पढ़ने वाले हैं, जो फसलों में क्रॉप्स के अंदर इंसेक्ट डैमेज करते हैं क्रॉप्स को, अपनी प्रोडक्टिविटी को खराब करते हैं क्रॉप्स को, फसलों में लगने वाले कीट, और जब फसल अपने हार्वेस्ट कर लेते हैं उसमें से दाने निकाल लेते हैं और उसको स्टोरेज करते हैं गोडाउंस में, तो वहां पर भी जब अपने स्टोर करते, चाहे गोडाउंस में करो चाहे अपने घरों में करते हैं, तो वहां बहुत सारे कीट लग जाते हैं, इंसेक्ट आ जाते हैं, तो वो अपनी फसल को या अपने ग्रेन्स को डैमेज कर सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो दोनों तरह के इंसेक्ट अपने पढ़ेंगे, कौन कौन से पढ़ेंगे, तो फसलों में लगने वाले जो आपकी खड़ी फसल है, स्टैंडिंग क्रॉप जो आपकी होती है फील्ड के अंदर, अभी आपने उसको हार्वेस्ट नहीं किया है, वो ग्रोइंग फेज में, तब फसलों के ऊपर लगने वाले कीट, और उसके बाद जब अपने हार्वेस्ट कर लेते हैं, कटाई कर लेते हैं फसलों की, उसके बाद अब बीजों को या अपने दानों को, ग्रेन्स को, अनाज निकालने के बाद उसको स्टोरेज करते हैं, उसको भंडारित करते हैं, चाहे घरों में करें चाहे अपने गोडाउन में करते हैं, मंडियों में करते हैं, तो वहां पर भी कुछ कीट लगने का खतरा रहता है। तो उन्हीं कीटों का आपने क्या पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं, इसी चैप्टर के अंदर अपने उन कीटों का अध्ययन करें। उन कीटों का अध्ययन करने के पीछे अपना उद्देश्य क्या है, अगर आपने किसी इंसेक्ट के बारे में पूरी जानकारी रखेंगे तो क्या होगा, उसको कंट्रोल करना आसान होगा, क्योंकि ये नुकसान कर रहे हैं, डैमेज कोज कर रहे हैं अपने फसलों को, तो उससे क्या होगा, उससे अपने उनकी एक पॉपुलेशन है उसको कंट्रोल कर पाएंगे, ताकि जितना वो डैमेज कोज कर रहे थे उतना ना कर पाए। तो उसके लिए अपने कुछ बहुत सारे मेथड काम में ले, अपने को जो अपना मेन फोकस रहेगा वो इंसेक्ट के लाइफ साइकिल के ऊपर रहेगा, उसका रिकग्निशन, पहचान कैसे करते हैं कि ये अमुक कीट है, एक सर्टेन इंसेक्ट है, जैसे आपने कातरा का नाम सुना होगा, रेड हेरी कैटरपिलर नाम होता है उसका, तो उसका क्या आइडेंटिफिकेशन है, क्या रिकग्निशन कैसे करते हैं, उसकी दिखने में कैसा होता है, वो करेंगे, फिर उसका लाइफ साइकिल करेंगे, फिर लास्ट में एक पॉइंट रहेगा कंट्रोल करना, किस तरह से अपने उसको जैविक नियंत्रित कर सकते हैं, बायोलॉजिकल कंट्रोल, किस तरह से कल्चरल कंट्रोल कर सकते हैं, यानी शस्य कंट्रोल जिसको शस्य नियंत्रण बोलते हैं, और किस तरह से अपने उसको रासायनिक नियंत्रित कर सकते हैं पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड का यूज करके, समझ में आ रही बात, तो वो अपने इसमें पढ़ेंगे। तो इंसेक्ट का अध्ययन करने के पीछे एक ही मकसद है, एक ही पर्पज है, ताकि अपने टाइम रहते उनकी पहचान कर पाए और उनके लाइफ साइकिल में कौन सी डैमेजिंग फेज आती है जो फसलों को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाती है, वो कौन सी होती है, लट अवस्था होती है, इसको लार्वा अवस्था या अपने ग्रब अवस्था, ग्रब स्टेज बोलते हैं, GRUB। तो उस फेज के अंदर अपने क्या कर सकते हैं, उस लट प्रावस्था के अंदर या ग्रब फेज के अंदर उसको अगर मार डाला जाए या उसको कंट्रोल कर लिया जाए तो अपनी फसलें बची रह सकती हैं, वो अपने आज पढ़ेंगे। चैप्टर 3 अपने स्टार्ट करेंगे आपके टेक्स्ट बुक के साथ। तो सबसे पहले दिमाग में आता है कीट बोलेंगे किसको,
अगर अपने विज्ञान की भाषा में कीट पूछा जाए आपसे, इंसेक्ट की डेफिनेशन पूछ ली जाए, तो किसको इंसेक्ट बोलेंगे? तो अपने बोलेंगे वेरी स्मॉल ऑर्गेनिज्म दैट कंटेन्स थ्री पेयर्स ऑफ लेग्स, टू पेयर्स ऑफ विंग्स, एंड इट्स बॉडी इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स. थ्री पार्ट्स मींस हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमिन. हिंदी में बात करें तो कीट वो छोटे जीव हैं, बहुत छोटे जीव होते हैं, जिनका शरीर है वो किस किस में बंटा रहता है? सबसे पहले सिर, दूसरा किस में? छोकिया, जिसको थोरैक्स बोला जाता है, और तीसरा लास्ट जो पार्ट होता है उसको उदर बोला गया है. तो हेड और वक्ष को बोलेंगे थोरैक्स, और अपना उदर एब्डोमन. तो ये तीन पार्ट में डिवाइड रहता है इसका शरीर. किसका शरीर? कीट का. और मैंने अभी बताया कितने पेयर लेग्स मिलते हैं, थ्री पेयर्स क्या मिलेंगे? लेग्स. तीन जोड़ी टांगे, आप गिन के देख लेना, उसमें तीन जोड़ी टांगे होती हैं. और टू पेयर्स क्या मिलेंगे? विंग्स मिलेंगे. तीन जोड़ी तो टांगे मिलेंगी, और दो जोड़ी क्या मिलेंगे अपने को? पंख. ये अपने तीन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तीन मुख्य लक्षण होते हैं कि अपने कीट किसको बोलेंगे. पहली बात, बहुत छोटे होते हैं. दूसरी बात, इनका शरीर है वो सिर, वक्ष और उदर में बंटा रहता है, हेड, थोरेक्स और एब्डोमन में बंटा रहता है. और अगली बात क्या है, इसमें तीन जोड़ी टांगे मिलती है, थ्री पेयर्स ऑफ लेग्स मिलेंगे इसमें टांगे, और दो जोड़ी क्या मिलेंगे? पंख, विंग्स मिलेंगे, टू पेयर्स ऑफ विंग्स मिलेंगे अपने को. तो ये अगर किसी ऑर्गेनिज्म में, किसी क्रिएचर में मिलता है, तो इसका मतलब वो कौन है? इंसेक्ट है या कीट होता है. जनरल सी लैंग्वेज है ये, मेरे ख्याल में समझ में आ गया होगा. मैं इसका रफली डायग्राम बना के दिखाता हूं. जैसे आपने टिड्डी का प्रकोप हो गया था ग्रास ऊपर का, 5000 स्पीसीज आपको, 5000 प्रजातियां दिखाई देती हैं पूरी दुनिया में. किसकी? ग्रास ऊपर, या जिसको अपने जनरल लैंग्वेज में टिड्डी बोल देते हैं. सारे ग्रास ऊपर टिड्डी नहीं होते, उनमें से सिर्फ 9 स्पीसीज, उन 5000 स्पीसीज में से 9 स्पीसीज, 9 प्रजातियां ही टिड्डी कहलाती हैं. वो थोड़े से अपने फिजिकल अपीयरेंस में चेंज हो जाते हैं, उनके बाहर उनकी बनावट है वो थोड़ी बदल जाती है, और वो ही फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं. 5000 ग्रास ऊपर की मिलती है, लेकिन उसमें से 9 स्पीसीज उनको टिड्डी बोला जाता है, लोकस्ट जिसको बोलते हैं इंग्लिश में. उनको टिड्डियों क्या बोलेंगे? लोकस्ट. और ग्रास ऊपर है वो सबके सब क्या नहीं होते? टिड्डी नहीं होते. अब उनमें से जो 9, मैंने कहा 9 ही टिड्डी होती है, वो 9 जो टिड्डी या लोकस्ट है उसमें से इंडिया के अंदर 3 ही मिलते हैं. एक माइग्रेटरी मिलती है, एक डेजर्ट वाली स्पीसीज मिलती है, और एक बॉम्बे लोकस्ट मिलता है, बम्बैया स्पीसीज. तो वो आगे पढ़ेंगे, आएगा इंसेक्ट ये, लेकिन अभी मैं एक रफ डायग्राम बना रहा हूं किसका, उसी टिड्डी का, लोकस्ट का. और जनरल लैंग्वेज में बोल देते हैं कि ग्रास ऊपर होता है, लेकिन हर ग्रास ऊपर है वो टिड्डी नहीं है. चलिए अगर अपने बात करते हैं किसकी, ग्रास ऊपर की, ये रफली डायग्राम है, कोई मेजरमेंट नहीं किया हुआ इसमें, आपको सिर्फ समझाने के लिए, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है. Thank you.
तो ये अपने पास क्या आ गया, टिड्डी आ गया जिसको अपने लोकस्ट बोल देते हैं, और आम भाषा में इसको ग्रास ऊपर बोल देते हैं। तो लोकस्ट या टिड्डी या टिड्डा वो ये दल में आते हैं, और इनका जो दल है, इनका जो झुंड है, इनका जो ग्रुप है, वो कई हजार किलोमीटर लंबा हो सकता है। अभी अपने एरिया में भी आ गए थे, अब भी पड़ी होगी और नुकसान किया है इसने। तो ये अपना क्या है, टिड्डी का एक क्या है, रफली मैंने डायग्राम बना दिया, मेरे हिसाब से रफली है। तो इसमें क्या होगा, सबसे आगे क्या दिखाई दे रहा है, जिसके ऊपर कंपाउंड आइज लगी, कंपाउंड आइज का मतलब संयुक्त नेत्र, जिसमें बहुत छोटी और नेत्र होते हैं, बहुत छोटे नेत्र पाए जाते हैं, तो उसको बोलते हैं कंपाउंड आइज या संयुक्त नेत्र। ये इसके क्या शंघिकाएं या एंटीनी, देखा होगा किसी कीड़े मकोड़े के भी देखा होगा आपने, ये एंटीना लगे होते हैं। तो अपने जो मेन फोकस है वो ये क्या है, ये इसका है हेड। क्या बताया था, इसका शरीर तीन भागों में बटा होता है, तो पहला क्या हो गया, हेड या शीर्ष हो गया या फिर सिर हो गया। फिर देखो 1 2 3 ये तीन पेयर जो मैंने बना रखे हैं छोटे छोटे, इनको अपने क्या बोलेंगे, यह थोरेक्स, ये अपना थोरेक्स या क्या बोलेंगे वक्ष, ये अपना सिर हो गया। अब जो बाकी बच गए, बाकी जो बच गए हैं, ये मैंने रफली बनाया है, जरूरी नहीं कि इतने ही होते हैं, मैं बताता हूं। ये लास्ट वाला जो पार्ट बच गया है, ये अपना कौन सा हो गया, इसका उदर या फिर एब्डोमन या उदर हो। तो तीन पार्ट में बटा रहता है पूरा शरीर, और ये तो है तीन भाग, तीन पार्ट में बटा रहता है। लेकिन अगर पूछ लिया कितने खंड पाए जाते हैं, मैं ये जो सिर वक्ष और उदर की बात की जा रही है, इसके अंदर एक इंसेक्ट के अंदर, मैंने उदाहरण तो टिड्डी का ही लिया है, लेकिन हर एक इंसेक्ट के ऊपर, हर एक कीट के ऊपर ये लागू होता है, कि हर एक कीट का जो शरीर है वो सिर वक्ष और उदर यानी हेड थोरेक्स और एब्डोमेन में बटा रहता है। ये तो तीन पार्ट हो गए। अगर पूछे खंड, इसकी बात पूछ जाए, खंड या सेगमेंट की बात की जाए, तो टोटल इसमें 20 होते हैं। कितने होते हैं ये याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 20 टोटल खंड मिलेंगे। जैसे मैंने अभी सिर की बात की, सिर में टोटल खंड कितने होते हैं, ये तो भाग हैं तीन। अगर आपने सिर में खंड, सिर कितने खंडों से मिलकर बना होता है, तो अपने बोलेंगे 6। वक्ष का दिखाई दे रहा है 1 2 3, वक्ष या थोरेक्स है वो तीन खंडों से मिलकर बना होता है, और बाकी कितने बच गए, 11। तो एब्डोमन या उदर में कितने खंड मिलेंगे, 11 खंड मिलेंगे। तो टोटल कितने हो, 6 3 और 11, टोटल अपने पास आ गए 20। 20 क्या है, सेगमेंट है ना कि पार्ट। पार्ट पूछा जाए तीन पार्ट होंगे, सिर वक्ष और उदर, और अगर पूछ लिया जाए कि सिर के अंदर कितने खंड मिलेंगे, तो 6 मिलेंगे, वक्ष में कितने मिलेंगे, 3 खंड मिलेंगे, और उदर में 11। टोटल इसका हो गया अपने पास 20। ये अपने को याद रखना है। वैसे होता क्या है, ये जो मैंने उदर के अंदर 11 बताए, जब ये ग्रोइंग फेज में होता है, इंसेक्ट की वृद्धि हो रही होती है, जब ये बच्चा होता है, मोटी भाषा में बात करें, तब 11 के बजाय वहां पर कितने मिलेंगे अपने को, 12 सेगमेंट दिखाई देते हैं। और धीरे धीरे जब वो मैच्योर या एडल्ट हो जाता है, व्यस्क हो जाता है, तब कितने रह जाते हैं, 11 रह जाते हैं। तो 11 और ये 6 और 3 9, टोटल हो गए 20। तो ये अपना एक टिड्डी का एग्जाम्पल ले लिया, और ये सब, ये जो एग्जाम्पल मैंने टिड्डी का लिया है, सब पे क्या होगा, लागू होगा कि एक इंसेक्ट किसको बोलें। थोड़ा बहुत और इंट्रोडक्शन लेंगे अपने, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, कोई क्वेरी हो तो मेरे को कमेंट करके बताइएगा, लेकिन रिस्पॉन्ड किया करो। नेक्स्ट डे क्या करेंगे वो कल की बात होगी, आज के लिए इतना ही। तो बने रहिए, टिके रहिए, एंड इनहेल बायोलॉजी।